हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर अपने पास है हीरो की XT125R और आज की वीडियो में भैया इसके नेगेटिव पॉइंट पे बताने वाला हूँ। काफ़ी भाई लोगों कमेंट आए थे मेरे पास कि भैया बाइक की तारीफ तो आपने कर दी, इसमें कुछ कमियाँ आपको लगी या फिर नहीं। तो मैंने सोचा यार प्रॉपरली यार एक वीडियो बना देते हैं जो कमियाँ मेरे को लगी पर्सनली इसमें। हो सकता है कमी आपको लगे या फिर नहीं लगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कुछ कमियाँ लगी इस बाइक में मुझे, जो आज के इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। और इस बाइक के और भी काफ़ी वीडियो मैंने बनाए अपने चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि राइड रिव्यू वगैरह हो गया और भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो और सबसे पहली जो कमी लगी वो इसका मीटर कंसोल। ये जो मीटर कंसोल है इसमें फीचर्स तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जैसे धूप आती है ना, धूप के अंदर भैया किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही सनलाइट पड़ती है ना इसके ऊपर, तो ये इतना अच्छा प्रॉपरली इसके जो फीचर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है, स्पीड वगैरह, टाइम वगैरह, जो फ्यूल गैज है, इतना अच्छे से प्रॉपर अपने को नहीं दिखता है। तो ये तो है इसकी पहली कमी। बात करते हैं दूसरी कमी की, उसके बारे में तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि भैया इंजन काउल कहाँ इस बाइक का। जो इसकी मीडिया बाइक थी ना उसमें तो इंजन काउल था, लेकिन यहाँ पर इस बाइक में इंजन काउल नहीं है, और ये बहुत बड़ी कमी लगती है मुझे इस बाइक की। बाकी और बाइक देखो कितनी अच्छी है, फुल स्पोर्टी लुक के साथ आती है, लेकिन यहाँ पे इंजन काउल नहीं है, इसकी वजह से जो बाइक का लुक है ना ख़राब हो जाता है पूरा। और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया मुझे इसके बारे में। तो मुझे जो दूसरी बड़ी कमी लगती है वो ये इंजन काउल की लगती है। तीसरा यार, मैं इसको चला रहा हूँ 7-8 दिन से, तो पहले तो इसकी जो मतलब क्वालिटी थी काफ़ी अच्छी लगी, शुरू में तो काफ़ी अच्छी चली बाइक, लेकिन धीरे धीरे क्या इसमें से आवाज़ आने स्टार्ट हो गई भाई। ये जो पैनल है ख़राब रोड पे भाई काफ़ी गंदी आवाज़ करते हैं, तो ये थोड़ी सी कमी लगी मुझे। और ये देखो स्टिकर यार, अभी इसे टूटने उखड़ने चल्लू हो गए, पता नहीं ये कब तक साथ निभा पाएगी अपना। फिलहाल जो भी है भैया यही बाइक है। और एक यहाँ पे देखो आप, इसमें जो साड़ी गार्ड है वो कुछ इस टाइप से दिया। पहले मुझे लगा इसमें अलग से साड़ी गार्ड दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने भैया कुछ भी नहीं दिया साड़ी गार्ड वगैरह। ऐसा जो प्रॉपर आता ना ऐसा यहाँ पे जाली टाइप का, वो आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बस सिर्फ यही साड़ी गाड़ी के नाम पे दिया गया है, और ये यार मुझे पता नहीं था, तो ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। और सबसे बड़ी कमी यार, इसमें भैया लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं मिलता है, बस ये रियर में जो फुटरेस्ट है बस यही वाला मिलता है प्रॉपर। यहाँ पे जो लेडी फुटरेस्ट आता है पूरा, जैसे लंबा सा स्टेप से, जैसे मैं हाथ लगा के बता रहा हूँ, इस टाइप से फुटरेस्ट आता है लेडीज़ के लिए, वो आपको इस बाइक में नहीं मिलता। तो आपकी वाइफ के साथ कहीं जा रहे हैं, मम्मी के साथ जा रहे हैं, सिस्टर के साथ जा रहे हैं, तो दोनों तरफ इधर पैर करके अगर वो बैठते हैं तो नहीं बैठ सकते इस बाइक में। फैमिली के हिसाब से बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है भैया ये बाइक। तो ये भी काफ़ी बड़ी कमी लगी मुझे। और सीट, जो सीट है ना भैया फैमिली के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई भी लेडीज़ बैठती है और दोनों तरफ पैर करके बैठती है ना, तो ये जो सीट है कम्फर्टेबल नहीं। और इसकी हाइट है ना, वो देखो आप यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो, इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ऊपर है, तो जो पीछे वाला जो पिलियन होता है वो काफ़ी ऊपर मतलब दूसरी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से फैमिली के हिसाब से भी जो इसकी जो राइडिंग है वो ठीक नहीं है। और एंड में एक और जो कमी, जो इस टाइम तो आपको नहीं दिखेगी लेकिन जब बाइक चलाओगे ना तब कमी महसूस होगी। मैंने शुरू में जब चलाया इस बाइक को तो इतना वाइब्रेशन नहीं लगा मेरे को, लेकिन जब इसको मैंने ज़्यादा लंबा चलाया, मतलब 40-50 किलोमीटर चलाया और 100 की स्पीड से थोड़ा सा ऊपर चलाया ना, 100-110 चलाया ना मैंने, तो फिर यार वाइब्रेशन, मतलब 100 भी नहीं बोलूँगा मैं, 95 से ऊपर जैसे अपन जाते हैं ना, तो इसमें वाइब्रेशन आने लग जाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, मतलब इतना मज़ा नहीं आता आपको बाइक राइड करने में। तो बस ये थी इसकी छोटी मोटी 4-5 कमियां जो पर्सनली मुझे इस बाइक में लगी। बाकी आपको और कोई कमी लग रही हो इस बाइक में तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो और सारी कमियां जो भी मेरे को लगी मैंने बता दी आपको इस वीडियो में। बाकी यार बाइक तो ठीक है, बस ये छोटी मोटी कुछ कमियां इस बाइक में जो कि और बेटर कंपनी कर सकती है, फिर थोड़ा सा और सुधार कर सकती है इसमें। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी कुछ अपडेट करके इन कमियों को दूर कर दें। बाकी माइलेज के हिसाब से तो ठीक बाइक है, चलने में भी ठीक ठाक है। और 125cc में अगर आप परचेस करना चाहो तो एक बार इसकी टेस्ट राइड ले लेना, हो सकता है टेस्ट राइड में आपको चलाने में मजा आए, क्योंकि सबका जो चलाने का तरीका होता है वो अलग होता है। बाकी 125cc में और भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं, जैसे कि रेडर हो गई या फिर SP हो गई, तो जो भी आपको अच्छी लगे आप परचेज कर सकते हो। और मुझे कमेंट करके बताना यार कि आपकी फेवरेट कौन सी है। मेरी फेवरेट की बात करें तो मेरी फेवरेट जो है वो है TVS रेडर 125, ऑल टाइम फेवरेट। चाहे परफॉर्मेंस ले लो, चाहे फीचर्स ले लो, चाहे सीट कम्फर्ट या माइलेज, सब अच्छा मिलता है उस बाइक में, तो मेरी तो पर्सनल फेवरेट वही है। आपकी कौन सी फेवरेट है, आप कौन सी परचेज कर रखे हो या फिर कौन सी परचेज करने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि आगे भी आपको ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहे। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लो अपने भाई को, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स डालता हूँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट आता है वहाँ पे। आईडी यहाँ पे आ रही है स्क्रीन पे, तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।